गाइस, जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स से पाला पड़ जाता है जिनकी इंग्लिश हम लोगों को नहीं आती है, और हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और हम लोग अटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश कॉमन वर्ड्स हैं गाइस, जिनकी मीनिंग जानना ज़रूरी होती है। आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड सीखने वाले हैं, जैसे कि फूकना, ताली, हिचकी, ढकार, पादना, कांपना, हाफना, खांसना, कराटे, दांत पीसना, ऐसे ही कुछ और वर्ड सीखने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा और वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है गाइस, हाफना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं गाइस पैंट, PANT। एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आप पूछ सकते हैं व्हाई आर यू पैंटिंग सो मच। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस ताली। इसे आप सिंपली बोलते हैं क्लैप। एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम ताली क्यों मार रहे हो? व्हाई आर यू क्लैपिंग, व्हाई आर यू क्लैपिंग। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस उबासी लेना या फिर जम्हाई लेना। इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं यान। एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह क्लास में उबासी ले रहा था। He was yawning in the class. आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस डकार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च या बर्प। इंग्लिश में आप एग्जाम्पल देखिए, डकार मत लो, डोंट बेल्च। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस फूंकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पफ। एग्जाम्पल देखिए, फूको मत, आप बोलते हैं डोंट पफ, डोंट पफ। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस हिचकी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप। एग्जाम्पल देखिए, मुझे आज सुबह से हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग टुडे। कांपना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शिवर। एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं ठंड की वजह से कांप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। अगला वर्ड है गाइस खांसना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह सुबह से खांस रही है, सी हैज बीन स्नीजिंग सिंस मॉर्निंग। अगला वर्ड है गाइस पादना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाट। एग्जाम्पल देखिए गाइस, कौन पादा, हु फाटेड, हु फाटेड। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस खर्राटे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या तुम सोते हुए खर्राटे लेते हो? डू यू स्नोर वाइल स्लीपिंग। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस दांत पीसना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टीथ ग्राइंडिंग। एग्जाम्पल देखिए, तुम दांत क्यों पीस रहे हो? वाई आर यू ग्राइंडिंग योर टीथ। अगला वर्ड है गाइस चुटकी बजाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप फिंगर्स। क्या तुम चुटकी बजा रहे थे? वर यू स्नैपिंग योर फिंगर्स। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस उंगली पुटकाना। इसे आप बोलते हैं क्रैकिंग नकल्स। एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा उंगली पुटकाते रहता है, ही इज ऑलवेज क्रैकिंग हिज नकल्स। आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस सीटी। इसे आप बोलते हैं विशल इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखिए, सीटी मत मारो या फिर सीटी मत बजाओ, डोंट विशल, डोंट विशल। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर।